मैंने पहले भी ये ऑडियो बनाया था कि जब भी जो भी इंग्लिश लर्नर्स रहते हैं, तो अगर आपका कोई इंग्लिश का आपका अगर इंग्लिश का कोई मिस्टेक हो जाए और लोग आप पे अगर हंसेंगे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बिकॉज़ वो लोग ही हंसेंगे जिन्होंने कभी कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखी नहीं रहेगी, या फिर कोई दूसरी जो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज रहेगी वो सीखी नहीं रहेगी। जैसे कि आप उनसे पूछ सकते हो, अगर उन्होंने आपका मजाक उड़ाया तो आप उनको बोल सकते हो कि हाउ मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस डू यू नो, और मुझे पता है किसी को आती नहीं रहेगी। तो का मजाक ना वो लोग कभी नहीं उड़ाएंगे जिनको पता रहता है कि कोई भी सेकंड लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो कितना डिफिकल्ट रहता है। वो लोग आपका मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे। जैसे मैंने देखा है कि जो फॉरेन कंट्रीज रहती है, जैसे यूएस हो गया, वहाँ पे फ्रेंच लोग फ्रेंच सीखते हैं या फिर स्पैनिश सीखते हैं, तो उनको ज़्यादातर पता रहता है कि कितना प्रॉब्लम। एंड सीरियसली यार, स्पैनिश और फ्रेंच इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज है। जब मुझे मुझे स्पैनिश बहुत पसंद है, सो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, तो उनको पता रहता है कि स्पैनिश और फ्रेंच लैंग्वेज कितनी डिफिकल्ट है और उसको सीखने में कितना प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए वो लोग जो लोग इंग्लिश सीखते हैं उनका मजाक कभी नहीं उड़ाएंगे, राइट? और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं यार, ऐसे लोगों से दूर ही रहा करो। ऐसे निगेटिव लोगों के साथ हमको रहना ही नहीं है, बिकॉज़ ये लोग कैसे हैं ना, खुद तो कभी कुछ किया नहीं रहेगा लाइफ में, और जो हम लोग कर रहे हैं ना तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसे लोग लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। उनके साथ रहो जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको गलती होगी तो आपकी गलती सुधारेंगे। लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ जर्नी, ओके? रोज़ कुछ ना कुछ लैंग्वेज में नया आता रहता है, नए नए स्लैंग आते रहेंगे, नए नए इडियम्स या फिर नए नए वर्ड्स इवॉल्व होते रहते हैं, सेंटेंसेस इवॉल्व होते रहते हैं। तो ठीक है, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपने पूरा सीख लिया। आप हमेशा आपको पढ़ाई करनी ही है लैंग्वेज की। और इंग्लिश का ना सच में हमारे यहाँ पे बहुत इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया गया है। इंग्लिश इज़ जस्ट लैंग्वेज, हमारी बाकी लैंग्वेज की तरह ही है। मराठी, हिंदी हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो गई, तमिल, तेलुगु, तो इंग्लिश भी वैसी ही लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इजी। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, रोज़ इम्प्रूव करोगे, तो आपको भी आराम से आ जाएगी। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसकी। जस्ट एन्जॉय द लर्निंग प्रोसेस। आपको बोर हो रहा है तो आप पढ़ाई करना बोर हो रहा है ना तो कुछ एंटरटेनिंग देखो, जैसे मूवीज़ देखो या फिर कॉमेडी सीरीज़ देखो, तो आपको बोर भी नहीं होगा और आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा। कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज कितना इम्प्रूव हो चुका है। आप खुद ही शॉक हो जाओगे। सो कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।